नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है, एसिटिक एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो हम सबसे पहले नज़र डालेंगे कि एसिटिक क्या है, एक एसिड है, और जब एसिड कोई भी एसिड रहता है तो उसके क्रियात्मक समूह में कौन सा रहता है। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। पहला, यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उसको हम जानते हैं कि वो होता है कीटोन, और उसके अंत में ओन लगा होता है। और यदि OH लगा होता है किसी क्रियात्मक समूह में तो वह अल्कोहल होता है। और यदि तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ COOH, ध्यान रहे इसको आप COOH नहीं पढ़ेंगे, COOH यदि रहेगा तो ये एसिटिक एसिड होता है, ये एसिड का क्रियात्मक समूह है, ये जो है एसिड का क्रियात्मक समूह है, और इसको हम COOH एसिड का क्रियात्मक समूह है, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो इसको हम ट्रिक कर देंगे। जो CHO होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो चाहे आपको क्वेश्चन में परिवर्तित करके दे, चाहे आपको क्वेश्चन में कैसे भी पूछा जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सारे क्रियात्मक समूह या फिर चार क्रियात्मक समूह मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कुछ कि आपको बताना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे, तो आपको बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक यौगिक है। साफ साफ क्वेश्चन पूछ दिया है एरोमेटिक। जैसे ही शब्द आपने देखा तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं इसको आपको बताइए। एरोमेटिक यौगिक यदि आप देख ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक की बात हुई है, तो आप जान जाइए कि एरोमेटिक यौगिक जहाँ भी रहेगा वहाँ पर एक काम रहेगा क्या, कि वो जो है विशेष प्रकार की उसमें जो है गंध होती है। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और इसे बेंजोनॉइड भी कहते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक है, चाहे कितना भी ज़्यादा ऑप्शन दिया रहा है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक होता है बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, बेंजीन। क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा करके टाइम कंज्यूम करना नहीं चाहता आप लोगों का, सीधे सीधे आप आंसर जानिए कि एरोमेटिक यौगिक होता है बेंजीन, इसको बेंजोनॉइड भी कहते हैं। ये एक टॉपिक आपको समझ में आई। दूसरा ये समझ में आया कि एरोमेटिक यौगिक जहाँ भी दे देगा वहाँ पर हमको ये पता लग जाना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो है एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन यदि आप सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कैसा है और किस प्रकार से पूछा जा रहा है। देखिए सीधे सीधे मैं क्वेश्चन बताऊंगा और एक एक सीधे आंसर बताऊंगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन देकर के अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास समय रह नहीं गया है। देखिए यौगिक दिया हुआ है CH3OH। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक हमारा दिया हुआ है CH3OH, और ये पूछ रहा है कि आप बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक, एक कार्बन के लिए रहता है तो हम लिखते हैं मेथ, दो कार्बन रहता है तो लिखते हैं एथ, तीन कार्बन रहता है तो इसके लिए लिखते हैं प्रोप। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है ये डिपेंड नहीं करती है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, चार बैलेंसी होती है कार्बन की, यहाँ पे देखिए चार बैलेंसी होती है, तीन बैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई है, तीन बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट, एक बैलेंसी पे OH समूह लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जहाँ भी OH समूह, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर वन में मैंने बताया कि जहाँ भी आपका OH समूह लगा होगा वहाँ पर आप आसानी से यही बात समझ जाइएगा कि वहाँ पर एल्कोहल की बात की जा रही है, और जहाँ एल्कोहल की बात की जाएगी उसके अंत में जो है ऑल लगेगा। तो CH3OH को हम क्या लिखेंगे, सी जो है एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मैथ, और OH के लिए ऑल लिखते हैं, तो इसको हो जाएगा ये मेथेनॉल, यानी कि इस कंपाउंड का नाम कितना हो जाएगा, मेथेनॉल। यही दो कार्बन रहता तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दो और बढ़ जाती तो C2H5OH जो कि हो जाएगा एथेनॉल, तीन कार्बन रहता OH लगा होता तो हो जाता प्रोपेनॉल, इस तरीके से भी आपका नामकरण होता है। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन कहेगा कि कार्बनिक यौगिक में यानी कि कार्बनिक कंपाउंड में किसकी श्रृंखलाएं होती हैं, कार्बनिक कंपाउंड जो होती है उसमें किसकी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए कार्बनिक यदि कंपाउंड रहेगा, कार्बनिक जो हमारा कंपाउंड रहेगा उसमें किसकी श्रृंखला होगी, ऑप्शन नंबर एक में दे देगा कार्बन की श्रृंखला होगी, ऑप्शन नंबर दो में दे देगा ऑक्सीजन की श्रृंखला होगी, ऑप्शन में तीन में दे देगा नाइट्रोजन की संख्या होगी,
नाइट्रोजन की संख्या ऑप्शन चार में दे देगा आपका हाइड्रोजन की, तो आप जानते हैं ये होगा क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड जो होती है श्रृंखलाएं होती है, कार्बनिक कंपाउंड में किसकी, तो कार्बनिक कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। अब देखिए, अब हम आपको यदि जनरल फॉर्मूले से देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है इससे देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए यदि एल्केन रहेगा, यदि एल्केन रहेगा या फिर कार्बनिक कंपाउंड एल्कीन रहेगा, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ एल्केन रहेगा या कार्बनिक कंपाउंड एल्कीन रहेगा या जो है वो रहेगा एल्काइन, एल या तो वह रहेगा एल्काइन, यही रहेगा एल्कीन रहेगा एल्काइन एल्कीन रहेगा एल्केन रहेगा या फिर एल्काइन रहेगा। ठीक, देखिए उसमें जो है इसमें पूछ दे रहा है कि सेचुरेटेड कौन, इससे देखिए इससे ये तीन चीज से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये एल्केन है, पूछेगा एल्केन एल्कीन एल्काइन में सेचुरेटेड कौन है, सेचुरेटेड वही होता है जिसमें कार्बन और किसी अन्य एलिमेंट के बीच में, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो वह सेचुरेटेड कहलाएगा। तो एल्केन क्या हो जाएगा, इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सेचुरेटेड है, तो एल्केन जो है ये सेचुरेटेड होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जो है अनसेचुरेटेड होता है असंतृप्त होता है, और एल्काइन भी होता है वो अनसंतृप्त होता है, यानी कि संतृप्त सिर्फ एल्केन वाले होते हैं, असंतृप्त एल्कीन भी होता है और असंतृप्त हमारा एल्काइन भी होता है। और जो है जिसके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हो जाएगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि यह बना रहा है कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड, यानी कि यह बना रहा है एल्कीन, और देखिए कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है एल्केन, और यदि कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ये बना रहा है एल्काइन, जिसमें ये दोनों जो है असंतृप्त की श्रेणी में आएंगे और ये जो है संतृप्त की श्रेणी में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें असंतृप्त है और कौन संतृप्त है। इससे देखिए आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई कार्बनिक कंपाउंड दे देगा और आपको पूछेगा कि बताइए यह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, यदि एल्केन होता है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पर सुटेबल फिट बैठ रहा है CnH2n+2 पे, तो वह गिवन कंपाउंड जो होगा एल्केन होगा, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा वह एल्केन की श्रेणी में आएगा। जबकि यदि कोई और कंपाउंड दे रहा है वो यदि CnH2n पे बड़ी फिट बैठ रहा है तो वो हो जाएगा आपका एल्कीन, और ये जो एल्काइन होगा तो वो हो जाएगा CnH2n-2। तो ये देखिए आपको यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवेन होगा और पूछेगा कि ये बताइए कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये तीनों को गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं, गोल्डन रूल के द्वारा आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो दिया गया है वो एल्केन है कि कंपाउंड एल्कीन है कि कंपाउंड दिया गया हमारा एल्काइन है। ये कार्बन ये जो N जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, सी तो कार्बन है, एच तो हाइड्रोजन है, जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इस पर आपको पुटअप करके चेक कर लेना है। और देखिए और एक बात और, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन वह सेचुरेटेड होगा, उसका फॉर्मूला ये, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन वह अनसेचुरेटेड होगा असंतृप्त होगा उसका फॉर्मूला ये, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन असंतृप्त है वो भी, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये, यानी कि आपका जो है ये भाग एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये जो है इस तरीके से ये कंप्लीट होता है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्केन एल्कीन एल्काइन के अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को मैं आपको सीधे सीधे बताते चल रहा हूँ, नंबर वाइज भी बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि यदि आपका मान लीजिए कार्बन दिया हुआ है और कार्बन की चारों बैलेंसी जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कंप्लीट की गई है, और कंप्लीट की गई है तो यदि एक हाइड्रोजन की बैलेंसी को हटा दिया जाए तो पूछेगा कि यह क्या बन जाएगा, यह क्या बनेगा, जब एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो क्या बनता है, तो ये होता है देखिए ये तो हुआ एल्केन, एक हाइड्रोजन लग गया तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अब इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप,
ये क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप। तो ऑप्शन में जहाँ भी एल्किल ग्रुप रहेगा वहाँ पे इसको ट्रिक मार देंगे। अब यह एक कार्बन है तो मेथ है, तो इसको कह देंगे ये है हमारा मेथिल ग्रुप, जबकि यही हमारा दो कार्बन रहता। देखिए यहाँ पे दो कार्बन हम लगा दिए और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ कार्बन, यहाँ खाली जगह छोड़ दिए, तो ये हो जाएगा मेथिल ग्रुप। तीन कार्बन रहेगा तो ये हो जाएगा प्रोपिल ग्रुप। चार कार्बन रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटिल ग्रुप। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। ठीक, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा।